सीट आ जाएगी भाई पीछे, सीट आ जाएगी। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपकी सुबह का नाश्ता अगर छोले भटूरे से स्टार्ट नहीं होता तो भाई आप सच में दिल्ली वाले नहीं हो। तो आज मेरी मन कर गया, मेरी क्रेविंग हो रही है छोले भटूरे खाने की, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ एक स्ट्रीट साइड छोले भटूरे को हल्दीराम के छोले भटूरों के साथ। तो चलो देखते हैं, अभी मैं छोले भटूरे लेने जा रहा हूँ, तो चलिए गाइज आप भी मेरे साथ चलिए, लेट्स गो। तो गाइज ये है मेरे छोले भटूरे, ये है हल्दीराम के छोले भटूरे और ये है स्ट्रीट साइड वेंडर के छोले भटूरे। तो चलिए देखते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइज ये है मेरे रोड साइड छोले भटूरे। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा फीका सा लग रहा है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो और इसके भटूरे भी काफ़ी छोटे हैं, पर यार 30 रुपीज़ में आप और की एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। और प्लस अच्छी बात यह है, इसने सैलेड दिए और थोड़ा सा अचार भी साथ में दिया है। तो गाइस ये है मेरे हल्दीराम के छोले भटूरे, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, उससे थोड़ा ऑयली है ये स्ट्रीट साइड वाले से। प्लस इसमें इन लोगों ने आलू दे रखे हैं और इसके भटूरे भी काफ़ी फ्रेश और काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं। पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इन लोगों ने मुझे अचार नहीं दिया इसके साथ में और ना ही कोई सैलेड दिया है। तो गाइस ये है मेरे स्ट्रीट साइड छोले भटूरे, तो चलिए इसका टेस्ट टेस्ट करते हैं। ये है मेरे भटूरे, इसको थोड़ा लेता हूँ। और भटूरे खाने का सबसे अच्छा तरीका है, ये लो थोड़े भटूरे, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अचार और इसमें डालो छोले, आपकी बन गई एक परफेक्ट बाइट और इसको खाइए। काफ़ी स्पाइसी हैं यार, लग नहीं रहा था इतने स्पाइसी होंगे, काफ़ी अच्छे हैं यार। 30 रुपए के हिसाब से इससे बेस्ट छोले भटूरे आपको नहीं मिल सकते हैं। काफ़ी टेस्टी है और ऑयली भी नहीं है, जैसे इसके भटूरे को मैं हाथ लगा रहा हूँ ज़्यादा ऑयल नहीं लग रहे मेरे हाथों में, तो इट्स नाइस, काफ़ी अच्छे हैं करते हैं। तो गाइज ये है मेरे हल्दीराम के छोले भटूरे, सैडली इसमें मैं वो परफेक्ट बाइट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इसमें ना सैलेड है ना अचार है। तो चलो इसे टेस्ट करता हूँ, इसके भटूरे काफ़ी मोटे हैं और जो कि अच्छी बात है। ये री बाइट, भाई न जाने क्यों मुझे ये वाले छोले भटूरे ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं जो कि स्ट्रीट साइड वाले थे, जो कि सिर्फ 30 रुपीज़ के थे और ये बन 70 के हैं। तो आप सोचो इसकी 6 प्लेट आ जाएगी ऑलमोस्ट इसके प्राइस में। पर ये भी ठीक है, अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो इसको मैं 10 में से 7 दूंगा और इसको मैं 10 में से 8.5 दूंगा।
तो गाइज ये था मेरा छोले भटूरे का टेस्ट टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हैं, छोले भटूरे या आलू के पराठे। तो गाइज मैं इसको फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।